हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलोक कश्यप। मूवी शोडाउन चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को 10 जबरदस्त बॉस एंड एम्प्लॉय लव पर बेस्ड कोरियन ड्रामा बताऊंगा। और सभी ड्रामा आप लोगों को हिंदी डब में मिल जाएगी। और ये सभी ड्रामा मेरी पर्सनल फेवरेट है। और ये सभी ड्रामा आप लोगों को हंसाएगी भी और रोमांटिक वाइब्स भी फील कराएगी। और इन सभी ड्रामा को देखने के बाद आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है बिजनेस प्रपोजल। एक ऐसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो के ड्रामा लवर्स के लिए एक ब्लेसिंग की तरह है, क्योंकि ड्रामा फेक आइडेंटिटी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और एम्प्लॉय बॉस रिलेशनशिप जैसे अमेजिंग कॉन्सेप्ट से लेयर्ड है। और इसी वजह से तो इस ड्रामा को 8.2 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है हारी की, जो अपनी बेस्ट फ्रेंड और एलिट चैबल ग्रुप की डॉटर यंग सियो की जीत करने पर उसकी जगह उसके ब्लाइंड डेट पर चली जाती है। और वो ब्लाइंड डेट उसके लिए बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि उसका डेट उसका वर्क कॉलीग सियो ताइमू होता है। पर लकली ताइमू को हारी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। पर समहाउ जब ताइमू को ये पता चलता है कि उसकी रियल डेट यंग सियो नहीं है, तो हारी अपने रियल स्टेटस को छुपाने के लिए वो एक फेक आइडेंटिटी घूमियो ताइमू को बता देती है। और ताइमू भी अपने ग्रैंडफादर द्वारा अरेंज इन स्टूपिड डेट्स को अवॉइड करने के लिए घूमियो के सामने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने का ऑफर देता है। और हारी भी अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। तब आगे इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में क्या क्या इंटरेस्टिंग होगा और इन दो कपल के बीच लव कैसे डेवलप होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस एडोरेबल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी 9 नंबर पर ड्रामा है डोंट डेयर टू ड्रीम। ये एक इंटेंस सब ट्रायंगल ड्रामा है, जिसमें आपको स्ट्रीमी रोमांस और जेलसी हिट वाली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी देखने को मिलेगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है नारी की, जो पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाली एक हार्ड वर्किंग लड़की है, जो अब SBC ब्रॉडकास्टिंग में एक टेम्परेरी एंकर है। और SBC ब्रॉडकास्टिंग का स्टार एंकर है हवेशिन, इस पर नारी को 3 साल से क्रश था। पर अब सिचुएशन डिफरेंट है, अब नारी उसे सिर्फ अपना जॉब राइवल समझती है। पर इवेंचुअली साथ साथ काम करते करते इन दोनों की फीलिंग्स रिफर्बिश्ड होने लगती है, और इस बार हवेशिन नारी के लिए फील करने लगता है। पर इन दोनों के बीच की प्यार की कैंडल ब्लूम होती उससे पहले ही नारी की मुलाकात हवेशिन के बेस्ट फ्रेंड और चैबल कंपनी का एयर जुनवॉन से होती है, जिसे नारी से लव एट फर्स्ट साइड हो जाता है। और इसलिए वो नारी के दिल को जीतने के लिए बहुत कुछ करता है और नारी भी उसके अफेक्शन में आने लगती है। तब इस इंटरेस्टिंग और इंटेंस लव ट्रायंगल में किसका प्यार पूरा होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 8 नंबर पर ड्रामा है क्रेजी लव। इस ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग ली है। एक ऐसी अमेजिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है, इसे देखने में आप लोगों को लिटरली बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि इस ड्रामा की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको एम्प्लॉय और बॉस के बीच स्टीमी रोमांस वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है गोजिन की, जो कोरिया का नंबर 1 मैथमेटिशियन इंस्ट्रक्टर है, जिसे एक दिन एक डेथ थ्रेड मिलता है, पर वो उस थ्रेड को इग्नोर कर देता है। और गोजिन बहुत इंटेलिजेंट होने के साथ साथ बहुत ज्यादा रूड और एरोगेंट है, जो अपने इंट्रोवर्ट सिन्हा के ऊपर उसके छोटे छोटे सिली मिस्टेक के लिए बहुत गुस्सा करता है। और इसलिए सिन्हा बहुत ज्यादा टेंशन लेने लगती है, जिसके वजह से उसके ब्रेन में एक ट्यूमर डेवलप्ड हो जाता है। और जब ये बात सिन्हा को पता चलता है तो गोजिन के ऊपर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर रिजाइन कर देती है, जिसके बाद एक एक्सीडेंट में गोजिन की याददाश्त चली जाती है। और जब ये बात सिन्हा को पता चलता है तो वो गोजिन से बदला लेने के लिए उसकी फियांसे बनने की ड्रामा करती है। तो अब कैसे ये दोनों एनिमीज साथ रहते रहते लवर्स बनते हैं और उसी दौरान स्टोरी में क्या होता है, ये देखना आप लोगों के लिए बहुत मजेदार होगा, क्योंकि इस ड्रामा में आगे चलकर बहुत से रोमांटिक सरप्राइजेस आना बाकी है। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इसे Disney+ Hotstar पर देख सकते हो। हमारी 7 नंबर पर ड्रामा है एक अमेजिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा, जिसका नाम है द सीक्रेट लाइफ ऑफ माय सेक्रेटरी। इस ड्रामा को सनबंद्र की IMDb रेटिंग ली है। अगर आप एक ऐसी ड्रामा देखना चाहते हो जिसमें इतना ज्यादा कॉमेडी हो कि आप हंसो, रोमांस ऐसा हो कि सीधा आपके इमोशन में घुल जाए और स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग हो कि आप स्टार्टिंग से एंड तक एंगेज रहो, तो ये ड्रामा आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकती है। जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक बहुत बड़ी मीडिया कंपनी के डायरेक्टर मिनिक की, जो बहुत इंटेलिजेंट और कूल है, और अपने सभी छोटे मोटे कामों के लिए अपनी शॉर्ट टेम्पर्ड और डेडिकेटेड सेक्रेटरी कैली को परेशान करता है। पर जब एक मिस्टेक की वजह से मिनिक कैली को जॉब से फायर कर देता है तो उसी दिन मिनिक के ऊपर एक जानलेवा हमला होता है। इसमें वो अपने फेस रिकॉग्निशन एबिलिटी को खो देता है, और जब कैली उसके पास वापस आती है तो गलती से उसे अपनी सेलिब्रिटी क्रश वेरोनिका समझ लेता है और उसे प्यार करने लगता है। और कैली भी अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से इस नाटक को चलने देती है। तो अब आगे ड्रामा में क्या होता है और मिनिक और कैली का झूठ पर टिका ये प्यार कहां पर खत्म होगा, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो।
हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है सी वॉज पिटी। इस ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा लिटरली एक बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इसमें आपको फेक आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा, लव ट्रायंगल मिलेगा और स्टीमी रोमांस मिलेगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है किम हेजिन की, जो बचपन में एक रिच और पिटी लड़की थी, और वहीं उसका बेस्ट फ्रेंड जीसुंग एक बुद्धू सा दिखने वाला लड़का था, और ये दोनों कुछ रीजंस की वजह से सेपरेट हो गए थे। इसके बाद किम हेजिन की फैमिली बैंकक्रप्ट हो गई और फिर वो टेंशन और बिजी रूटीन की वजह से अपने चार्म को खो दी है, और अब एक एवरेज सी दिखने वाली लड़की है। और वहीं जीसुंग एक सक्सेसफुल अट्रैक्टिव लड़का बन गया है, जो 12 साल के बाद किम हेजिंग से मिलना चाहता है। पर किम हेजिंग एम्बैरेसमेंट के डर से वो अपनी जगह अपनी पिटी रूममेट को किम हेजिंग बनाकर भेज देती है। पर किम हेजिंग की प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब उसको पता चलता है कि उसका नया बॉस जीसुंग है, जिसके बाद उसे अपने बॉस के सामने उसे फेक आइडेंटिटी के साथ रहना पड़ता है। तो आगे ड्रामा में क्या क्या एक्साइटिंग होगा, इन दोनों के बीच रोमांस कैसे डेवलप होता है, और किम हेजिंग की रियल आइडेंटिटी रिवील होने के बाद क्या होगा, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप प्लेफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी 5 नंबर पर ड्रामा है सस्पिशियस पार्टनर, एक आउटस्टैंडिंग रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा है, जिसे 7.9 की IMDb रेटिंग मिली है। ये ड्रामा रोमांटिक कॉमेडी लॉ और थ्रिलर जॉनर पर बेस्ड है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है जीवुक की, जो एक इंटेलिजेंट प्रोसिक्यूटर है, और उसके अंडर में काम करती है एक इंटर्न बोंगही, जो हमेशा खुद को अनफॉर्चुनेट और एम्बेरसिंग सिचुएशन में डालती रहती है। पर उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब वो खुद के ही एक्स बॉयफ्रेंड के मर्डर की प्राइम सस्पेक्ट बन जाती है। इसके बाद ये दोनों मिलकर रियल मर्डरर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो खतरनाक साइको किलर है। तो अब क्या ये दोनों इस केस को सॉल्व कर पाएंगे नहीं, और उसी दौरान इन दोनों को प्यार कैसे होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस इंटरेस्टिंग ड्रामा को। इसमें एक सीरियस मर्डर केस को भी बहुत अच्छी तरह से रोमांस और कॉमेडी टच के साथ ऑडियंस को प्रेजेंट किया गया है। हमारी 4 नंबर पर ड्रामा है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा, जिसका नाम है परफ्यूम। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 7.1 की। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक मिडिल एज्ड फैटी हाउसवाइफ मिंजेई की, जो अपने अपीयरेंस की वजह से सोसाइटी से बहुत ज्यादा ट्रोल की जाती है, और उसके हस्बैंड का अफेयर भी चल रहा है, और इन सब वजह से वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। और फिर उसके घर एक मैजिकल परफ्यूम डिलीवर हो जाता है, जिस परफ्यूम को लगाने से वो 20 साल की यंग ब्यूटीफुल गर्ल बन जाती है, जिसके बाद वो अपने ब्यूटी की वजह से एक मॉडलिंग शो में सेलेक्ट हो जाती है, और वो वहाँ एक फैशन डिजाइनर सियोंडो के अंडर काम करने लगती है, जिसे बहुत सारी एलर्जीज और फोबियास है। और इसके आगे क्या होता है इस ड्रामा में, और इन दोनों के बीच रोमांटिक बॉन्ड कैसे डेवलप्ड होता है, और क्या होगा जब सियोंडो को जेही की रियलिटी के बारे में पता चलेगा, ये सब जानने के लिए आप देखिए इस बहुत ही एडोरेबल हार्ट वार्मिंग रोमांटिक ड्रामा को, और इस ड्रामा को आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 3 नंबर पे ड्रामा है द मास्टर सन। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है गोंगसिल की, जिसे एक एक्सीडेंट के बाद से गोश्त दिखने लगे हैं, और ये गोश्त उसे हमेशा डराते हैं और उसे मदद मांगते रहते हैं, और ये गोश्त उसके लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से गोंगसिल हर बार अपने जॉब से निकाली जाती है। पर फिर एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक आदमी से, जिसके पास रहने से गोंगसिल के सराउंडिंग के सारे गोश्त गायब हो जाते हैं, और इसलिए गोंगसिल उस आदमी के पास रहना चाहती है। पर वो आदमी एक सेंट्रल मॉल का CEO जोंग वोंग है, जो बहुत ही रूड है, और वो हर चीज को पैसे से नापता है। तो अब आगे ड्रामा में क्या होता है, और गोंगसिल और जोंगवोंग के बीच क्या कनेक्शन है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बहुत ही एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग ड्रामा है, क्योंकि इस ड्रामा की स्टोरी बहुत सी इंटरेस्टिंग रोमांटिक सरप्राइजेस और सीक्रेट से भरी है। और आप इस ड्रामा को G5 पर लाल एक्स फॉरन स्पेशल सर्च करके देख सकते हो। और अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है टू ऑल द गाइस हु लव्ड मी। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 6.4 की। ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है CEO युनजू की, जो एक वेबट्यून प्लानिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर है। युनजू ने अपने करियर में तो बहुत सक्सेस पाई है, पर प्यार के मामले में उसे हमेशा दर्द और धोखा ही मिला, और इसलिए वो फैसला कर लेती है कि वो हमेशा सिंगल ही रहेगी। पर तभी उसके लाइफ में 2 चार्मिंग लड़कों की एंट्री होती है, जिसमें से पहला है वांग जियू, जो एक बड़ी कंपनी का CEO है, और वो ऑलमोस्ट परफेक्ट है, और इसीलिए लड़कियां उसकी दीवानी है, पर वो सिर्फ युनजू का दीवाना है। और दूसरा पार्क डू है, जो एक वेबट्यून राइटर है और युनजू का चाइल्डहुड फ्रेंड भी है। पार्क डू युनजू से हमेशा वन साइडेड लव करता था, पर उससे कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाया। और अब आपको इस ड्रामा में यही देखना होगा कि इन दोनों में से युनजू का दिल कौन जीतता है। मैं इस ड्रामा के बारे में सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि ये एक परफेक्ट ड्रामा तो नहीं है, पर हाँ, इस ड्रामा में आपको क्यूट कॉमेडी, कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल और बहुत सारी रोमांस देखने को मिलेगा। ये ड्रामा बेस्ट तो नहीं है, पर फिर भी अगर आप एक लाइट मूडेड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा देखना चाहते हो तो आप इस ड्रामा को MX प्लेयर पर देख सकते हो। लोगों के चेहरे ठीक से याद नहीं रहते, मेरा चेहरा पहचान सकते हैं? मुझे नहीं पता। हमारी 1st नंबर पे ड्रामा है रिच मैन। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग ली है 7 की। इस ड्रामा का प्लॉट फॉलो करता है एक बिलियनर और नेक्स्ट इन कंपनी के CEO ल्यूचन को, जो एक शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है, जिसे फेस रिकॉग्निशन डिसेबिलिटी है, जिसकी वजह से वो किसी का चेहरा याद नहीं रख पाता है। पर एक दिन उसके कंपनी में जॉब पाने के लिए एक मासूम पॉजिटिव अप्रोच रखने वाली लड़की किमोरा आती है, जिसके पास बहुत ही अच्छी फोटोग्राफिक मेमोरी रहती है। पर इंटरव्यू में ल्यूचन उसे बहुत ही बुरी तरीके से ह्यूमिलेट और बेइज्जत करके निकाल देता है। पर कुछ दिन बाद कंपनी को फोटोग्राफिक
ग्राफिक मेमोरी वाले पर्सन की जरूरत होती है और इसी वजह से किम्बोरा जॉब पर रख ली जाती है। पल्यूचन उससे ऑन द जॉब डेली ह्यूमिलेट करता है, पर धीरे धीरे उसका डेडिकेशन और स्वभाव को देखकर ल्यूचन को उससे प्यार हो जाता है। इस ड्रामा की बेस्ट बात यह है कि आप सब कुछ साइड रखकर इस ड्रामा की स्टोरी को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करोगे और ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा फनी और एंटरटेनिंग है, जिसे आप एमएक्स प्लेयर पे देख सकते हो। आई होप आपकी वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कुछ लोगों को शेयर कर देना और लाइक कमेंट कर दो और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 5 रोमांटिक जैपनीज ड्रामा देखना है और टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा के बारे में जानना है तो मेरी एंड स्क्रीन पर दो वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।